नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। आज से 9 दिन बाद यानी 20 फरवरी को ललितपुर में विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है। ऐसे में ललितपुर सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुशवाहा का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और उन्हें लोगों का अपार जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। रमेश कुशवाहा ने आज अपने समर्थकों के साथ ललितपुर शहर की लेखपाल कॉलोनी, रामनगर, काशीराम कॉलोनी, RMB कॉलेज के पास जनसंपर्क कर भारी जनसमर्थन जुटाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, इसलिए जुमलेबाजों की सरकार से जनता नाराज है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश के निवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री तथा किसानों को बिजली मुफ्त मुहैया कराएगी, वहीं बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व पार्षद जगदीश सिंह यादव, नेपाल सिंह यादव, शत्रु यादव, रामदास सुरती, परवेज पठान, हैदर जानू अली, अरमान कुरैशी, नवल धाबरी, बल्ले यादव, रामजीवन सिंह, जगदीश कंचन, अम्मू रजक, रोहित राठौर, संजय ग्वाला, हेमचंद लोधी, देवेंद्र लोधी, इंद्रपाल सिंह, सुनील कुशवाहा, गोविंदी कुशवाहा, नरेश कुशवाहा, माखन कुशवाहा, शाकिर अली, युवा नेता सुरेंद्र यादव, पूर्व जिला महासचिव लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, मुन्ना खान आदि मौजूद थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। जनसंपर्क चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आज जो वर्तमान सरकार है वो सब अपने वादों पे झूठी उतरी है, इसलिए जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की तरफ जनता देख रही है। जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पे खड़े उतरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता के बीच में वो 300 यूनिट जनता के लिए फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं तो जनता उनकी तरफ देख रही है। जो 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है उसके लिए जनता सोच रही है कि हम लोग कब सरकार बनाते हैं और हम लोगों का विकास हो और काम हो। इसी प्रकार से जो राशन है 5 साल के लिए उन्होंने वादा किया है कि हम गरीबों के लिए मुफ्त राशन देंगे 5 साल के लिए। जैसे अन्य योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की हैं तो जनता उनकी तरफ देख रही है। देखिए, जनसंपर्क जो समाजवादी पार्टी के चल रहा है उसमें अपार समर्थन हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश कुशवाहा जी को मिल रहा है। जगह जगह लोग उनको स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह उनको अपनी पिछली सरकार से जो त्रस्त हैं वो परेशानियाँ बता रहे हैं और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से विधायक बनने के बाद, समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद, वो एक एक काम यहाँ के लोगों की जनता के लिए करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।